एक बहुत बड़ा भूखंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। कोटला के ऊपर ऊपर के जितने शापर तक की बेल्ट है जिसमें बोधगिनी वगैरह का एरिया आता है, से सारी जियोलॉजिकल जो हमारी प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से टिल्ट हुई हैं और उनकी वजह से ही सारे का सारा जो है एक बहुत बड़ा भूखंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जिसका प्रभाव जो है वो आपकी धर्मशाला के ऊपर। ये देख रहा था कि जो हमारे जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ये दिखाते हैं कि नूपुर से लेकर के और ये सारे के सारी बेल्ट कोटला के ऊपर ऊपर के जितने शापर तक की बेल्ट है जिसमें बोधगिनी वगैरह का एरिया आता है, से सारी जियोलॉजिकल जो हमारी प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से टिल्ट हुई हैं और उनकी वजह से ही सारे का सारा जो है एक बहुत बड़ा भूखंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जिसका प्रभाव जो है वो आपकी धर्मशाला के ऊपर ये मकलोटगंज वगैरह जहाँ डिफेंस का पिछली बार जमीन दसी थी, इसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है जियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है इस एरिया में आया और ये पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ से लिप कर रहे हैं और जितने इसके ऊपर दरख्त लगे हैं वो बिल्कुल पानी परकुलेट होता है और वो दलदल बनते हैं और एक ऐसे प्रेशर के साथ नीचे जा रहे हैं कि आप भी कभी देखेंगे कि कोई कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ी पहले कोई आपदा देखते थे लोग और हम ये सोचते हैं कि यार ये फिल्म का दृश्य है, ये इसमें झूठ भी हो सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक वहाँ जाके देखा वो फिल्म का दृश्य नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी नेचुरल क्लैमिटी है, प्राकृतिक प्रकोप है कि बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो ऐसे पीड़े जा रहे हैं जिस तरह से गन्ने को आप एक जो है वो मशीन में उसका रस निकालते हैं, बड़े बड़े आम के पीपल के वृक्ष जड़ों से जा रहे हैं और उसमें जो आज हम देख के आ रहे हैं सुबह देखते हैं तो वो दो तीन फरलांग आगे आ गया, तो लोगों में एक बड़ा भय वातावरण जो है वो बना है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा भारी हूँ कि हमने रेवेन्यू एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, पहले रजिस्ट्रो का जो एक्ट था वो आपदा रात में सिर्फ हम 10% ही पैसा देते थे, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आंशिक तौर पर भी कोई मकान जो है वो उसमें दरार पड़ी या गिरा है तो कम से कम उसको 1,00,000 रुपया जो है वो हम तुरंत राहत जो है वो प्रदान करें।